यूपी में धान खरीद और खाद्य वितरण में कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, योगी सरकार किसानों को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रियंका गांधी ने शनिवार को ट्वीट किया, धान खरीदारी में कुव्यवस्था के चलते लखीमपुर के एक किसान को मंडी में पड़े धान में आग लगानी पड़ी। खाद्य वितरण में कुव्यवस्था के चलते ललितपुर के किसान की लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने ललितपुर की घटना का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को ट्वीट किया था, भाजपा के राज में उत्तर प्रदेश में खाद की कमी ने एक बेहद दर्दनाक मोड़ लिया। ललितपुर में दो दिनों के बाद खाद की लाइन में लगे हुए किसान की मौत दुखद समाचार है। सरकार मुआवजे का ऐलान करे। आजाद भारत के इतिहास में किसान कभी भी इतना परेशान व अपमानित नहीं हुआ जितना भाजपा सरकार में है। वहीं एक बार फिर से लोगों के ये कयास लग रहे हैं कि शायद विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश और प्रियंका एक होकर योगी को मात देंगे, लेकिन देखना ये होगा कि अखिलेश और प्रियंका की फ्लाइट वाली मुलाकात में कितनी दम है। क्या दोनों यूपी की सत्ता पर राज करेंगे।